दोस्तों घर पर गमले में लगा तुलसी का पौधा अगर लगातार सूखता जा रहा है काफी देखभाल के बाद भी, तो पौधे को सूखता देख मन को दुखी करने से पौधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जरूरत है सही देखभाल की, जो कि मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ सालिम रजा और आप देख रहे हैं आपको अपना ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल। दोस्तों अगर आपने भी तुलसी का पौधा घर पर लगा रखा है तो यहाँ पर तीन बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात, इसको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, जब सनलाइट ज़्यादा तेज़ हो, ज़्यादा भीषण गर्मी जब पड़ती है उस टाइम इसको बचाना चाहिए डायरेक्टली सनलाइट से। दूसरी बात, इसको जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कोहरा पड़ता है, पाव पड़ता है, उस टाइम इसको इंडोर रखना चाहिए जिससे कि ये ख़राब ना हो। और तीसरी बात होती है बाल्टिंग की। अक्सर हम पूजा करने के बाद में जो पानी होता है हम तुलसी के पौधे की मिट्टी में डालते हैं, तुलसी के पौधे को देते हैं, तो उस टाइम उस पानी से ज़्यादा ओवर बाल्टिंग होने की वजह से हमारे जो पौधे की रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं। तो इसलिए बहुत ही कम पानी दें या फिर ऐसा ड्रेन सिस्टम रखें जिससे कि जो बाल्टिंग करें वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन होता रहे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पौधे को आप जब भी नर्सरी से लेकर आएँ तो कैसी मिट्टी में लगाएं, कैसी मिट्टी इसके लिए तैयार करनी है। तो दोस्तों आपको 50% जो नॉर्मल गार्डन की सॉइल होती है वो लेनी है, इसके अलावा 30% लेना है आपको सैंड और 20% कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर काउडंग। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की सॉइल बना करके अपने तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा हेल्थी रहेगा, क्योंकि वेल्डन सॉइल होने की वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन होता रहेगा और आपका पौधा फंगस की वजह से मरने से बच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बाल्टिंग की, क्योंकि यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम सही होने की वजह से वेल्डन सॉइल यूज करने से अगर हम ओवर बाल्टिंग करते हैं तो क्या हमारे पौधे को फिर भी नुकसान पहुँच सकता है। तो दोस्तों हाँ, आपके पौधों को नुकसान होगा क्योंकि ज़्यादा ओवर बाल्टिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कि वेल्डन मिट्टी हम यूज़ करेंगे तो वो सॉइल जल्दी ड्राई होगी, इसलिए अगर जब भी ऊपर की सॉइल ड्राई हो तभी आप इसको बाल्टिंग करें, इससे पहले बाल्टिंग बिल्कुल ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ सनलाइट की, इसको धूप कितनी मिलना चाहिए। तो दोस्तों सुबह की जो सनलाइट होती है वो इसको अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों इसको शाम की धूप अगर मिलती है तब भी चलेगी, लेकिन जो डायरेक्टली सनलाइट होती है जून जुलाई की, उस टाइम ज़्यादा हीट होती है धूप में, जिसकी वजह से हमारे जो पौधा है झुलस जाता है और पानी की कमी हो जाती है सॉइल में। तो इसलिए इसको आप डायरेक्टली सनलाइट से बचाएं जब ज़्यादा धूप तेज़ होती हो। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सॉइल होती है उसमें हल्की नमी रहनी चाहिए, ज़्यादा ओवर बाल्टिंग तो नहीं लेकिन हल्की नमी रहना जरूरी है जिससे कि आपके पौधे को जो मॉइस्चर है वो मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ फर्टिलाइज़र की, तुलसी के पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है जिससे कि हमारे पौधे की जो काफ़ी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती रहें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 5 ml जो सीबिट होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको लेना है, इसके अलावा आपको 5 चम्मच जो बर्मी कंपोस्ट होता है केचुआ खाद उसको लेना है, रात भर उसको पानी में भिगो कर रखें, उसके बाद में मॉर्निंग में इसको फर्टिलाइज़र के तौर पर दें। दोस्तों तुलसी के पौधे को अगर इस तरीके की खाद बनाकर आप देते हैं तो उस पर ज़्यादा ब्रांच आएंगे, ज़्यादा लीफ आएंगे, जिससे कि आपका पौधा हरा भरा रहेगा और काफ़ी हेल्दी रहेगा। तुलसी के पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक बात यहाँ पर यह भी ज़रूरी है दोस्तों, जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं ये फूल हैं और फूल खिलने के बाद सीड पॉट बनता है, तो प्लांट की सारी एनर्जी सीड बनाने में लग जाती है जिसकी वजह से प्लांट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और सॉइल में भी काफ़ी माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको सीड नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपने पौधे को हेल्दी रखना है, तो दोस्तों इन फूल जैसे ये फूल आएँ तो इनको पिंच कर दें, काट दें, जिससे कि जो पौधे की एनर्जी है वो बची रहे। दोस्तों मैं अपने इस पौधे से फूलों को इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे सीड चाहिए और नए नए पौधे ग्रो करने हैं। दोस्तों इस पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक बात यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि जब भी आप इस पौधे को लगाएं तो कुछ बड़ा पॉट हो, लगभग 12 इंच से ज़्यादा बड़ा पॉट होना चाहिए जिससे कि इसमें ज़्यादा सॉइल हो, और जब ज़्यादा सॉइल होगी तो मॉइस्चर भी काफ़ी देर तक बना रहेगा। अगर आप वाटरिंग कम भी करते हैं तो आपके जो पौधे की ज़रूरत है वो पानी की पूरी होती रहेगी। दोस्तों पौधे की हेल्थ के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे दी, चलिए अब बात कर लेते हैं जो इसके हेल्थ बेनिफिट हैं वो क्या क्या हैं। अक्सर महिलाओं में ओवर पीरियड की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से काफ़ी वीकनेस हो जाती है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में अगर आप तुलसी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। इसके अलावा दोस्तों सांस की दुर्गंध को दूर करने में तुलसी के पत्ते काफ़ी फायदेमंद होते हैं और नेचुरल होने की वजह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो तो तुलसी के कुछ पत्तों को चबा लें, ऐसा करने से दुर्गंध तुरंत ही चली जाती है। और इसके अलावा दोस्तों चमड़ी के रोगों में खासकर तुलसी बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, इसके इस्तेमाल से कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा साफ होता है, इसके अलावा फोड़ा फुंसी और बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं जो कि चमड़ी की होती हैं। अक्सर जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी खांसी बुखार का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पहुंच जाता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे में अगर आप मेडिसिन लेते हैं
और उसके साथ तुलसी के पत्तों का भी यूज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम पहुंचता है। चलिए दोस्तों चलते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।